हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी uh, बनाएंगे एंड आल्सो टुडे इज़ आल्सो वेरी स्पेशल डे आज वन 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 डेज कंप्लीट हो गए हैं अमूल के लाइव सेशंस को Uh, तो हम लोग आज uh, बहुत इंटरेस्टिंग और डेजर्ट uh, बनाएंगे एंड यू गेस सजेस्टेड इट आई गेस कुसुम जी रिक्वेस्टेड दैट शी वांट्स टू सी मैंगो पुडिंग एज मैंने आपको बोला था कि मैंगो का सीजन है ही एंड ऑफ कोर्स समर्स इज़ ऑल अबाउट मैंगो एंड स्पेशली ये जो मई वाला uh, है मंथ वो तो पूरा मैंगो को डेडिकेट करेंगे हम लोग तो हम लोग बनाएंगे मैंगो पुडिंग तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है मैं आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करके मैंने जो रखा है मैं आपको बताती हूँ तो ये तो है जी अमूल हेलो शशि जी सो दिस इज मैंगो की प्यूरी सो हैव डन इज कि मैंने क्या किया है मैंगो को uh, अच्छे से काट के और मैंने जो होता है हमारा बैंगन फली जो होता है वही वाला मैंगो लिया है अच्छा जूसी क्योंकि वो हर जगह मिल जाता है इजीली तो मैंने उसको क्या किया है? थोड़ा सा कट करके उसकी प्यूरी बनाई है तो मैंने क्या किया है दो इससे तीन लिए हैं मैंने एक पहले से आपके लिए बना के रखा है क्योंकि पुडिंग को ना अच्छे से, से सेट होना पड़ता है और एक और ख़ास चीज़ मैं बताती हूँ वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एग या फिर कोई अगर अगर ये सब चीज़ें हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि पुडिंग में देखिए जनरली एग uh, डलता ही है ताकि वो फ्लफ़ी हो थोड़ा अच्छा मतलब फूल जाए या फिर अगर अगर तो हम लोग आज वो दोनों नहीं डाल रहे तो तो हम लोग क्या करेंगे देखिए मैंने प्यूरी में क्या किया इसको बना के रखा है इसके साथ मैंने दो दो टेबल स्पून शुगर डाली है एंड uh, टू टेबल स्पून uh, हमारा जो है अमूल दूध डाला है और इस तरह से देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी की है ये पूरा uh, वन कप बन गया है मैंने दो से तीन मैंगोज का बनाया है देखिए तो अब हम लोग इसकी आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले मैं एक पैन ऑन करूँगी और ये देखिए इतने कम इन्ग्रीडियंट्स है आप देख सकते हैं ये लिटरली टू टू थ्री इन्ग्रीडियंट्स जो वाली रेसिपी है उस टाइप की है ये मेरे पास दूध है थोड़ी सी शुगर है और ये मैं आपको बताती हूँ ये क्या है एग्जैक्टली हम इसका क्या यूज़ करने वाला है बहुत लोग जो वेजिटेरियन लोग हैं वो तो ऑफकोर्स एग नहीं खाते एंड उसके साथ भी एग के साथ भी बहुत लोग जो जेलेटिन जो होता है जेलेटिन भी नहीं खाते तो इंस्टेड ऑफ़ दैट आप अगर अगर ले लेते हैं बट उससे भी हेल्दियर मैं आपको ऑप्शन बताया मैंने आपको अभी तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये जो मैंगो की प्यूरी है और ये देखिए ऑलमोस्ट लाइक आप जैसे मैंगो मिल्क शेक बनाते हैं ना उसी तरह की कंसिस्टेंसी के लिए जो आप लेते हैं प्यूरी उस तरह की चाहिए हमें देखिए इसमें मैंने दूध भी डाला है मैंने आपको बताया जैसे टू टेबल स्पून मिल्क और टू टेबल स्पून जो है शुगर डाली है एंड मैंगो का सीज़न है तो ऑफकोर्स हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखेंगे और ये मैंगो पुडिंग शायद कुसुम जी ने मुझे बोला था बनाने के लिए तो हियर यू गो कुसुम जी एंड मैंगो के बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स है इवन दो ये ऑफकोर्स उसके बिना भी हम सबका फेवरेट है ही लेकिन इसमें बहुत हाई uh, क्वांटिटी में एंटी होते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है सो हु डजेंट लव mangoes? एंड वो चीज़ केक, मैंगो चीज़ केक ये सब तो मेन स्ट्रीम हो ही गया है बहुत लोग दिखाते हैं और हम लोगों ने देखे भी है बट दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग और ये uh, फट से बन जाएगी आपको थोड़ा बस इसमें सेटिंग करने का टाइम आपको रखना है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें अच्छे से इसको लो फ्लेम फ्लेम पे रखा है मैंने इसको हम लोग थोड़ा सा हीट होने देंगे और जब तक इसमें बहुत सारे बबल्स नहीं आते हम इसको थोड़ा सा अच्छे से हीट कर लेंगे आराम आराम से थोड़ा सा इसमें ना पेशेंस लगता है ये वाली रेसिपी में सिंह हाय हेलो नेहा जी कैसे हो आप और आप सबको और कौन सी मैंगो की नई डिशेस देखनी है ज़रूर बताइएगा आई पर्सनली लव मैंगोज़ अलॉट तो मुझे कोई भी इसकी रेसिपी दिखाने में बहुत अच्छा ही लगेगा ये तो एक पुडिंग है और पुडिंग जो है इसमें हम लोग आज देखिए इस तरह से अब मैं आपको ये बता देती हूँ ये मैंने क्या लिया है ये मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ कस्टर्ड पाउडर नाव कस्टर्ड पाउडर का एक मेन है देखिए दो चीज़ें हैं इसकी एक तो हम लोग इसको डालेंगे फ्लेवर के लिए uh, फ्लेवर देखिए क्योंकि कस्टर्ड पाउडर का एक uh, अपना एक टेस्ट होता है एक एंडेमिक टेस्ट होता है उसका वनीला का जो थोड़ा इसेंस है वो बहुत अच्छा लगता है एंड उसके साथ ही ये बाइंडिंग बहुत अच्छी देगा नाव दैट वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ अदर बाइंडिंग एजेंट्स लाइक एग या फिर थोड़ा सा अगर अगर या फिर जेलेटिन तो हम लोग कॉर्नफ्लावर डालेंगे उसी तरह से uh, ये जो हमारा है कस्टर्ड पाउडर उसमें है तो उसमें बाइंडिंग भी आ जाएगी और उससे फ्लेवर भी आ जाएगा तो ये देखिए हम लोग थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे हमारे जो प्यूरी है उसको यस नेहा जी आई कैन श्योरली ट्राई इट एंड मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी ये देखिए अब इसका बहुत अच्छा फ्रेगरेंस भी आ रहा है एकदम मैंगोस का तो हम लोग क्या करेंगे मीन वॉल मैं आपको एक दिखा देती हूँ ये मैंने ये लिया है कस्टर्ड पाउडर जो है टू टेबल स्पून है एंड इन केस अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है जस्ट इन केस दैन यू कैन यूज़ कॉर्नफ्लावर बट आई वुड सजेस्ट कि आप जो है कस्टर्ड पाउडर यूज़ कीजिए ताकि इसका जो फ़्लेवर भी है एक वनीला वाला वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है अच्छे से हो जाएगा इसमें ये थोड़ा सा हो गया है मैं इसको थोड़ा गैस बंद कर देती हूँ इसमें देखिए आप बबल्स आ रहे हैं धीरे धीरे और एकदम शाइनिंग आ गई है तो हम लोग क्या करेंगे ये मेरे पास मैंने देखी जैसे मैंने आपको बोला कि ये मेरे पास आ, ये है कस्टर्ड पाउडर उसको मैंने अच्छे से छान लिया है उसमें मैं थोड़ा सा अमूल का मिल्क डाल रही हूँ एंड हम इसको अच्छे से घुमा लेंगे ताकि कोई लम्ब्स ना रहे इसमें देखिए इस तरह से नो लम्स व्हाट्सो एवर अगर दूध से कैसे अच्छे से और भी अच्छा फ्लेवर आएगा या फिर आप जैसे नॉर्मल स्लरी बनाते उस तरह से आप उसका ये भी बना सकते हैं नॉर्मल अपने पानी के साथ तो ये देखिए ठंडा होने का वेट नहीं करेंगे हम लोग हमको बस क्या करना है गैस मैंने स्विच ऑफ़ करा है क्योंकि एकदम गर्म इसमें नहीं डालेंगे हम इसको तो हम लोग क्या करेंगे इसको डालते जाएंगे और फिर मैं हिलाती रहूंगी ये इसको स्पैचुला को ताकि ये इसके लम्ब्स ना बने और फिर हम लोग उसका गैस ऑन कर लेंगे देखिए इतना अच्छा फ्रेगरेंस मैंगो का प्लस थोड़ा सा इसका कस्टर्ड का जो फ्लेवर है हम सबको कस्टर्ड तो पसंद ही है सो अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ फिर से और मैं इसको भी आ, कम जो है फ़्लेम पे रखूँगी देखिए कम फ्लेम पे रखा है मैंने अब हम लोग क्या करेंगे इसको अच्छे से स्टोर करेंगे वाह सिंपल टू इंग्रेडिएंट थ्री इंग्रेडिएंट रेसिपी है ये एंड वी ऑल लव इट बहुत ही अच्छे से हम लोग कैफेज़ में एंड वी ईट इट ऑफन तो ये घर पे बनाना भी इतना ही सिंपल है यू जस्ट नीड टाइम इसको सेट करने के लिए तो हेलो uh, माया जी कैसे आप सो so नाव ये देखिए मेरे पास जो है फ्रेश लेमन जूस है ये हम लोग क्यों डालेंगे ताकि वो एकदम अच्छे से फ्लेवर्स को बैलेंस करे थोड़ा सा खट्टापन मीठे के साथ अच्छा लगेगा जैसे मैंने आपको बताया ये जो मैं मैंगो मैं प्यूरी बनाई थी उसमें मैंने आ, शुगर भी ऐड की थी उसमें मैंने टू टेबल स्पून ऐड की थी अप्रॉक्सीमेटली तो उसको अच्छे से बैलेंस कर देगा तो थोड़ा सा ये मैंने लेमन लिया है लेमन जूस तो हमको अब इसको पकाते रहना है अब हमको इतना पकाना है कि मतलब अच्छे से ये एकदम इतना कंसिस्टेंसी नहीं हो थोड़ी और थिक कंसिस्टेंसी हो तो हम इसको जी सिंह हेलो हेलो सुधीर जी सो फॉर ऑल ऑफ़ यू हैव जॉइ लेट मैं आज बना रही हूँ मैंगो पुडिंग सो मैंने ये बना के आपको दिखाया है मैंने मैंगो का प्यूरी ली है प्यूरी में मैंने थोड़ी सी टू टेबल स्पून शुगर डाली है उसमें टू टेबल स्पून मिल्क डाल के उसको ब्लेंड कर लिया है और उसके बाद कस्टर्ड पाउडर को टू टेबल स्पून है उसमें दू दू मिल्क डाल के हैव एडेड इट इसमें एंड टिंच ऑफ लेम जूस एंड अब इसका हम वेट करेंगे थिक होने तक और हमें कोई लम्स नहीं चाहिए इसीलिए हम इसको कंटिन्यूसली स्टर कर रहे हैं देखिए इट्स स्टार्टिंग टू गेट आप लोगों को कौन सी नई मैंगोस की रेसिपी देखनी है मैंगोज़ uh, तो बहुत सारे सेवरी डिशेज़ uh, में भी यूज़ होता है ऑफ कोर्स डेजर्ट्स में तो होता ही है पुडिंग होती है फिरनी होती है उसके चीज़ केक्स बनते हैं एंड व्हाट नॉट बट इसकी सेवरी रेसिपीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है अगर आप कोई देखना चाहेंगे तो प्लीज़ लेट मी नो आई विल श्योरली मेक इट एंड मैंने आई रिमेंबर इट मैंने एक uh, सेवरी डिश बनाई थी मैंगो के साथ

श्योर uh, sure, सुधीर जी दैट वुड बी माई प्लेजर जैसे कि मैं आप सबको अगर पता नहीं होगा तो आई एम फ्रॉम नागपुर एंड इट वुड बी माई प्लेजर कोई भी एकदम ऑथेंटिक नागपुरी डिश दिखाने में बी इट एनी साउजी जी स्टफ़ जो साउजी में साउजी पनीर या फिर और भी कोई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें पाटोड़ी या फिर uh, सांबार वड़ी जिसे हम बोलते हैं uh, ये सब हम लोग तो नागपुर की तो बहुत सारी स्पेशलिटी है चना पोहा है हमारा साउजी क्यूजीन है जो हमारे इसी रीजन से है जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है उससे वो आया था सो so, नागपुर की बहुत नॉनवेज तो फेमस है ही साउजी के साथ तो खूर भी फेमस है बट हम लोग वेजिटेरियन वर्जन सब कुछ बनाने वाले हैं तो आई एम प्रिटी श्योर मैं आपको एक ऐसी रेसिपी दिखाऊंगी जो आप सबको बहुत पसंद आएगी सी इट्स गेटिंग थिक नाउ तो हम लोग थोड़ा सा गैस इसको बंद कर देंगे एंड मैं जिसमें इसको सेट करने वाली हूँ उसको ला लेते और नागपुर की बहुत स्वीट डिशेस भी बहुत सारी फेमस है मिठाया है और बहुत सारे डेजर्ट्स भी है जो सिर्फ नागपुर के हैं ऑरेंज बर्फ़ी जैसे आप सबको पता है वो तो है ही तो उस तरीके का तो देखिए मैंने क्या किया ये मेरे पास ये है एक कांच का बोल बट देखिए आप इसको इजीली सिलिकॉन जो सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं सिलिकॉन uh, में और इजीली वो निकल जाएगा एंड जो बिगनर्स हैं उनके लिए और भी सेफ़ ऑप्शन है सिलिकॉन में ऐसे लगाना ताकि वो uh, आराम से आसानी से निकल जाएगा आज मैं इसको अच्छे से ये वाले बोल में ले रही हूँ तो मैं क्या करूँगी थोड़ा सा ना इसको बटर के साथ ग्लेस करूँगी ताकि से अच्छे, ताकि अच्छे से ये निकल जाए यू कैन ऑल्सो यूज़ अ ब्रश मैं इसके साइड्स को थोड़ा सा अच्छे से कर रही हूँ ग्लेस एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इसको निकाल लेते हैं वो लुक एट द कलर अमेजिंग जो नेचुरल कलर है लुक स्टनिंग और ये जो प्रोपोर्शंस बताए मैंने ये अप्रोक्सीमेटली वन uh, कप के लिए हो जाएगा वन कप मैंगोज आप लेंगे तो और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं उसको डबल कर दूँगी तो मैं इसको आपको अगर चाहिए तो इसको मैं कैप्शन uh, या फिर इसमें डाल दूँगी मैं कमेंट uh, बॉक्स में सो so, हम लोग इसको निकाल के थोड़ा सा सेट कर लेंगे जो केक मोल्ड आते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं इसको एंड उसका जो लेमन जो हम लोग ऐड किया है उसका भी फ्लेवर आई कुड स्मेल इट तो ये हो गया है जी सेंग, good, सेंग, है. Uh, so much, जी अ वेरी स्वीट रेसिपी। हाय। थैंक यू सो मच आदर्श जी यस बहुत ही इंटरेस्टिंग और uh, अच्छी डिश है ये हेलो सुचित्रा जी तो हम लोग क्या करेंगे इसको बस जेंटली सा थोड़ा सा टैप टैप करेंगे इफ़ यू वॉन्ट आप स्पैचुला से थोड़ा इसको इवन आउट कर सकते हैं अब हम लोग क्या करेंगे इसको ना हम लोग थो फ्रिज में रखेंगे अब हमको फ्रिज में कितने टाइम रखना है अप्रोक्सीमेटली टू आवर्स टू थ्री आवर्स रखना है हमें क्योंकि उससे क्या होगा अच्छे से सेट तो हो जाएगा अब हम लोगों ने जेलेटिन वगैरह तो डाला नहीं है तो एकदम क्विक नहीं होगा इसलिए हमको टू आवर्स तो लगेंगे तो मैंने आपके लिए पहले से ऑफकोर्स बना के रखा है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको क्या करूँगी पहले थोड़ा सा फ्रिज में रख देती हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो बनाया है यस कुसुम जी आई विल रिपीट द रेसिपी तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ तो कि मैंगो पुडिंग बना रही हूँ मैं तो मैंगो पुडिंग में मैंने क्या क्या किया है सबसे पहले मैंगो पुडिंग के लिए मैंने मैंगोज़ लिए हैं मैंने टू आ, टू थ्री मैंगोज़ लिए हैं एंड मैंने बैंगल फनली लिए हैं तो वो अच्छे स्वीट एंड सेवरी होते हैं उसको क्या किया है मैंने उसको चॉप करके आ, उसको ऑफ़कोर्स डी सीड करके उसके साथ मैंने टू टेबल स्पून शुगर डाली है शक्कर डाली है थोड़ी सी और उसके साथ मैंने थोड़ा सा दूध डाला है एंड उसको हम लोगों ने क्या किया है थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है एंड ब्लेंड करने के बाद उसकी जैसे प्यूरी बनती है थिक वाली उसको हम लोगों ने थोड़ा सा गैस में जितना उसको थोड़ा हीट करेंगे और थोड़ा बबल आने तक उसका वेट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने कॉर्नफ्लावर लिया है या फिर आप कस्टर्ड पाउडर बोल सकते हैं so, सो हम लोगों ने कस्टर्ड पाउडर ली है इट्स वेरी लाइक हेल्दी वर्जन उसका एग वगैरह आप जो वेजिटेरियन नहीं खाते तो वो उसको डाल के हम लोगों ने क्या किया उसमें थोड़ा सा दूध डाला है ताकि उसकी स्लरी लाइक -like कंसिस्टेंसी हो जाए जिससे मैं आपको आप देख सकते हैं पिछले इसमें किया है मैंने तो उसके बाद उसको उसमें ऐड करके वी आर रेडी तो आप देख सकते हैं अभी ये मैं इसको डीमोल कर लेती हूँ वहाँ पे एंड हमको इसको दो घंटे अच्छे से आराम से इसको ना ये करना है इसको सेट करने के लिए दो घंटे लगते हैं तो हम लोग इसमें कोई घाई नहीं करेंगे एंड हम लोग इसको आराम से डीमोल्ड करेंगे हम लोग क्या करेंगे इसी पे हम लोग थोड़े से देखिए मैंगो के हम लोग थोड़ा सा हम लोग प्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो उसको सेट करने के लिए आप जैसे मैंने आपको बोला उसको सेट करने के लिए टाइम लगेगा हमको इसको तीन से चार घंटे दो से तीन घंटे रखना ही तो हम लोग क्या करेंगे इसको रख देंगे आराम से तो ये इसके ऊपर हम लोग थोड़े से मैंगो के चंक्स डाल रहे एंड वेव सर्व विथ पुदीने का पत्ता क्योंकि मिंट लीव्स बहुत अच्छे जाते हैं मैंगो के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं तो ये मैं आपको दिखा लेती हूँ एंड दिस इज़ आर मैंगो पुडिंग विथ सिंपल इन्ग्रीडियंट्स एंड बहुत ईजी रेसिपी है आप लोगों ने ही रेकमेंड की थी आप लोगों ने सजेस्ट की थी कि ये बनाएं तो आई होप आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आई एल सी यू गाई वेरी सून थैंक यू